किडनी की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज में राहत के लिए रविवार को रॉबर्ट नर्सिंग होम में भगवान महावीर डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। भगवान महावीर रिलीफ फाउंडेशन ट्रस्ट ने 21 डायलिसिस मशीनें लगाकर यहां सेवा प्रकल्प शुरू किया है। शुभारंभ अवसर पर पहुंचे संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने कहा कि जैन समाज द्वारा ये डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया है। इस महान सेवा कार्य के लिए उन्होंने ट्रस्टियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्टी अरुण मेहता ने बताया कि डायलिसिस के लिए जर्मनी और जापान की तकनीक से बनी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ट्रस्टी रमेश भंडारी ने बताया कि सेंटर में 300 रुपये में डायलिसिस की जाएगी। प्राइवेट संस्थानों में 1000 से 1500 रुपये तक लिए जाते हैं। एक डायलेजर से 10 बार डायलिसिस होगा। बताया गया कि सेंटर शहर के लोगों को निरंतर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध है। सांसद शंकर लालवानी ने सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि लोकसभा के सत्र में भी स्वास्थ्य सुधार को लेकर आग्रह किया गया था। कार्यक्रम में महावीर चंद्रा का हैदराबाद डायलिसिस सेंटर की ट्रस्टी गौतम चौरड़िया, महासती आत्मज्योति, महासती प्रमोद कुंवर, डॉक्टर सुभाष मुनि रत्न, प्रदीप मुनि, डीपी जैन, रविंद्र बाफना, नरेश भंडारी, डॉक्टर राजीव चौधरी, शिव सिंह मेहता, अरुण मेहता, रमेश भंडारी, जिनेश्वर जैन आदि थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।